सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो तमाम मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से करंट पास करने की एबिलिटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो ऐसा है कि कंडक्टर के मुकाबले में बहुत कम करंट पास होता है और इंसुलेटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा करंट पास होता है। सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स में हम लोगों ने बात की थी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि ग्रुप फोर, जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फोर में आते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास ग्रुप नंबर फोर होता है, ये हमारे पास जो है ये फोर ए है। तो फोर ए के अंदर जो है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं, जिनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। बाकी भी सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं एक्सेप्ट कार्बन, क्योंकि कार्बन का केस थोड़ा सा जो है वो स्पेशल है, जिसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, चूँकि आपको मालूम है कि वो फोर ए से बिलोंग करते हैं, फोर ग्रुप में आते हैं, तो बेसिकली जाहिर है कि इन दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इसके पास जो है सिलिकॉन के पास ही जर्मेनियम है, उसके पास जो है वो फोर इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, जिसकी वजह से ये फोर ए में है। तो अब इनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम फोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से ये जो है स्टेबल कंडीशन में आ सकते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो मिनिमाइज हो जाती है। और आपको मालूम है कि हर एलिमेंट यही ट्राई करता है कि वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए, जिस तरह से हमारे पास नोबल गैसेस हैं, तो उसके लिए वो शेयरिंग करता है या अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ट्रांसफ़र उस सूरत में होता है जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करने हों। यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार इलेक्ट्रॉन देना या लेना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हम ये काम ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस है। तो जो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस होते हैं उस पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन जो है वो अपने ही तरह के चार सिलिकॉन के एटम्स के साथ इस तरह से मिलता है कि ये आपस में मिलकर जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके से ये सिलिकॉन है, और इसे ज़रा थोड़ा सा ठीक करके बनाना है ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस तरीके से आता है ये सिलिकॉन, ये एक और सिलिकॉन आ जाता है, ये दूसरा सिलिकॉन, ये तीसरा सिलिकॉन और ये चौथा सिलिकॉन। अब हमें मालूम है कि सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास फोर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये भी एक सिलिकॉन है, ये भी एक सिलिकॉन है, ये भी एक सिलिकॉन है और ये भी एक सिलिकॉन है। इसके आउटर मोस्ट के पास भी जो है वो चार इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में हमें मालूम है कि सिलिकॉन ही है ना, तो सिलिकॉन एटम की प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी। जैसे इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह हम कितने भी सिलिकॉन ले आए उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है फोर इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब होता ये है कि ये जो सिलिकॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाता है, यानी कि दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर। सिमिलरली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाता है और इसके ऑर्बिटल में भी घूमता है और अपने ऑर्बिटल में भी, तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। सिमिलरली ये काम यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर भी एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि आप इस फिगर से आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से हर सिलिकॉन के चारों एटम चारों तरफ से, यानी कि इस तरह से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से चारों तरफ एक सर्कल की फॉर्म में बाउंड हुए होते हैं और आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में बाउंड होते हैं। तो इस तरीके से एक सिलिकॉन मजीद सिलिकॉन के साथ मिलता मिलता काफ़ी ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा सा जो है नेट बना लेता है सिलिकॉन एटम्स का। तो इस जो सारे का सारा ये प्रोसीजर है इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने अपना जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट कर लिया है बाय शेयरिंग, यानी कि वो शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे सिलिकॉन के एटम्स के साथ और एक कंप्लीट सर्कल बना लेता है जिसमें सिलिकॉन के हर एटम के पास कंप्लीट फोर इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में भी घूम रहे होते हैं और साथ साथ जिसके साथ शेयरिंग की होती है उसके ऑर्बिट में भी घूम रहे होते हैं।
लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि हम ये सारा काम 0 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे चूंकि इसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में बाउंड होते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर सकते। और जब किसी चीज़ के अंदर इजीली मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसके अंदर से करंट पास ही नहीं होती। यानी कि करंट के पैसेज के लिए जो लाजमी शर्त है वो ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट है। अगर किसी चीज़ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसके अंदर से करंट कैसे पास हो सकता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में अपने कोवलेंट बॉन्ड के साथ इस तरीके से बाउंड होते हैं कि मूव ही नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़रा सा भी मूव करता है, ये कह दीजिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से ज़रा सा बढ़ता है, कोई भी नॉर्मल डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी है, जिसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी बेसिस पे ये आपस में मूव करते रहते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की तो इस कदर इंक्रीज हो जाती है कि वो अपना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ही वो अपना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से एस्केप कर जाता है। और जैसे ही यहाँ से निकलता है तो इसकी जगह अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस किस्म का होल सा बन जाता है ऐसे, और इस होल को फिल करने के लिए कहीं और से एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। वो सोचता है कि मैं इस होल को फिल कर दूँ, इसका बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है। लेकिन जब वो ये अच्छा काम करने के लिए इस होल को फिल करने के लिए कहीं से आता है तो वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर बैठता है, जिसकी वजह से वहाँ एक होल बन जाता है। और जब उस होल को कम्प्लीट करने के लिए कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो जिस जगह से वो आया है वहाँ पर होल बन जाता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास एक पेयर प्रोड्यूस होता है, एक होल का और एक इलेक्ट्रॉन का। तो होल और इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीली मूवमेंट है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो है आ रहे हैं या जा रहे हैं, और ये जो होल है ये हमारे पास एज अ पॉजिटिव चार्ज एक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से करंट जो है पास करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है और होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तभी जो हमारे पास सिलिकॉन है, देन सिलिकॉन एज अ सेमीकंडक्टर एक्ट करती है। उससे पहले अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उस पर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर्स नहीं होते। ये सेमीकंडक्टर्स बनते ही किसी और टेम्परेचर पर, मतलब 0 के अलावा कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 4, 25, 26, कोई भी आम नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है, जिस पर इसके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कदर ज्यादा हो जाती है कि ये आपस के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, और सारे एट अ टाइम नहीं मूव करते बल्कि होल प्रोड्यूस करते हैं। उस होल को फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन आता है, जहां से वो आता है वहां पर बॉन्ड ब्रेक करके एक होल प्रोड्यूस कर आता है। तो ये जो सर्कल है ये सारे के सारे सिलिकॉन के अंदर चलता रहता है, और ये सिलिकॉन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी पूरा का पूरा नेट है, पूरा का पूरा सर्कल है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उन होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत जो है इस सिलिकॉन के अंदर से करंट पास करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ जो है कंडक्टर्स की आ गई हैं, जिसकी वजह से हम इसे सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्योंकि कम्प्लीटली तो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं ना फ्रीली मूव कर रहे होते, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वो फ़ौरन आके किसी होल की जगह पर लग जाता है। इसलिए जैसे ही वो आता है तो उस वक्त फ्री होता है, तो जो सिलिकॉन है जो सेमीकंडक्टर एक्ट कर रहा होता है, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आ रहा होता है, जैसे ही वो होल को आके फिल कर देता है ये दोबारा इंसुलेटर बन जाता है, लेकिन जिस जगह से आया है उस जगह पर होल बन जाता है। तो इस तरीके से इस सिलिकॉन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान आ गई, जिसकी वजह से इसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसकी दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स जो हैं हम लोगों ने डोपिंग की बेस पे जो है इसको दी है, और अब हम लोग ज़रा डोपिंग के बारे में देखते हैं क्या है कि ये डोपिंग है क्या। अब हम लोग डोपिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो सिलिकॉन्स और जर्मेनियम है अपनी प्योर कंडीशन में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे और प्योर कंडीशन में, जब उनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं आती एज एन इम्प्योरिटी, तो वो जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम है एज एलिमेंट, उस वक्त वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स नहीं होते, जस्ट एलिमेंट होते हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, अपनी जगह से एस्केप करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े से प्रोड्यूस होते हैं और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो है सेमीकंडक्टर्स वाली आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि अब जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है।
अगर हम ये कहें कि जो सिलिकॉन है, जाहिर सी बात है वो अपनी प्योर कंडीशन में तो जो है वो करंट को पास नहीं होने दे सकता, लेकिन अगर मैं सिलिकॉन का एटम जो है नेट कुछ इस तरीके से बनाऊं कि सिलिकॉन के चारों इतराफ में या फर्श कर लीजिए कि दरमियान में सोच लीजिए कोई चीज़ आपने रखी है सिलिकॉन नहीं है, जबकि चारों इतराफ में आपके पास सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, और दरमियान में आप ऐसा करते हैं कि कोई एक एलिमेंट एज एन इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, एज एन इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड इसलिए करते हैं ताकि हम इसके अंदर से करंट के गुजरने की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं डाल देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हम लोगों ने फास्फोरस डाल दिया, आपको मालूम है कि जो फास्फोरस है एंटीमनी है बिस्मथ है आर्सेनिक है, ये सब के सब ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनके जो आउटरमोस्ट शेल है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है, और ये चारों तरफ सिलिकॉन से घिरा हुआ होता है, यानी कि सिलिकॉन के नेट के अंदर में एक सिलिकॉन एटम को रिमूव करके बस उसकी जगह फास्फोरस प्लेस कर देती हूँ। तो जब मैं सिलिकॉन की जगह फास्फोरस प्लेस करती हूँ तो मैंने फास्फोरस को सिलिकॉन की जगह एज एन इम्प्योरिटी डाला है, इस जो एलिमेंट को मैंने एज एन इम्प्योरिटी डाला है इसकी करंट की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन की, तो मैं इस चीज़ को कहूँगी कि मैंने इसके अंदर इम्प्योरिटी दाखिल की है, यानी कि मैंने इसके अंदर डोपिंग कर दी है। जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी पी टाइप, इसे हम लोग कहते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं नहीं बल्कि इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम इसे एन टाइप कहते हैं, सॉरी सॉरी पी टाइप नहीं, इसे हम लोग एन टाइप कहते हैं क्योंकि हमारे पास एन टाइम सेमी कंडक्टर्स हैं, ये हमारे पास एन टाइम सेमी कंडक्टर्स होके एन टाइम सेमी कंडक्टर्स हम इसे क्यों कहते हैं कि यहाँ पर तो पहले सिलिकॉन था, मैंने सिलिकॉन को उठाया और फास्फोरस यहाँ पर एज एन इम्प्योरिटी डाल दिया। जब भी किसी सेमीकंडक्टर के नेट के अंदर हम लोग क्या करें कि हम सिलिकॉन को कोई एक सिलिकॉन का एटम रिप्लेस करें, हो सकता है यहाँ जर्मेनियम होता है, मैं जर्मेनियम को भी रिप्लेस कर सकती थी, उसकी जगह ग्रुप 5 का कोई भी एक मेंबर आप यहाँ पर डाल दें, तो कोई भी मेंबर जब आपने ग्रुप 5 का यहाँ पर डाला है तो इसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई। इस इम्प्योरिटी को कहते हैं कि हमने इसके अंदर क्या कर दी है, अब हमने इसके अंदर डोपिंग कर दी है, इस चीज़ को हम लोग डोपिंग कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ हम किसी सेमीकंडक्टर के अंदर एज एन इम्प्योरिटी डालें तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये डोपिंग है। और डॉपिंग करते क्यों हैं, करंट की जो गुजरने की इस्तात है, जो उसकी एबिलिटी है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, उसे बढ़ाया जा सके। अब हमने बात की थी कि हर सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि फास्फोरस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फास्फोरस एक और अच्छा काम कर रहा है कि उसके पास चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन थे बैरूनी शेल में, उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो इस तरह से हम जितने भी फास्फोरस डालते चले जाते हैं उन फास्फोरस की वजह से, तो अब हम जितने भी फास्फोरस यहाँ पर डालते चले जाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर उतने ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, और आपको मालूम है जितना किसी चीज़ के अंदर किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर से करंट के पास करने की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही तो हमने डोपिंग की थी। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डोपिंग करूँ तो एक और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि करंट के गुजरने की एबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और इस चीज़ को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर के नेट के अंदर मौजूद हो, यानी कि हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, उसके नेट के अंदर हमने ऐसी इम्प्योरिटी दाखिल की जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाए, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। एन टाइम सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इम्प्योरिटी की अमाउंट है उसे कुछ हम लोग, या उसकी जो रेशो है उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 10 × 10⁸ रेशो 1 होती है, यानी कि इतने इसके अंदर इम्प्योरिटी की जो रेशो है इस तरीके से होती है। तो ये हमारे पास एन टाइम सेमीकंडक्टर्स था कि हम लोग किस तरीके से डोपिंग करते हैं, किस तरीके से अपने सेमीकंडक्टर को चेंज करते हैं कि उसके अंदर से करंट की एबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो एक तरीका तो होता है कि हम लोग एन टाइम सेमीकंडक्टर्स बना देते हैं, यानी कि डोपिंग इस तरह के एलिमेंट के साथ करते हैं जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इसे हम लोग एन टाइप कह देते हैं कि ये एन टाइम सेमीकंडक्टर्स हैं या हमारी डोपिंग की एन टाइप है।
अब अगर हम लोग टॉपिंग इस तरीके से करें कि हम ग्रुप थ्री के कोई भी मेंबर ले लें, जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रुप थ्री में हमारे पास बोरोन आता है, एलुमिनियम आता है, इंडियम आता है, गेलियम आता है, उनमें से कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर अगर सिलिकॉन की जगह रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास होता ये है कि हमें मालूम है कि बोरोन जो है ये ग्रुप थ्री से बिलोंग करता है, यानी कि थ्री ए से बिलोंग करता है ये हमारे पास। तो इसके पास मैक्सिमम जो इसके आटोमो शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तीन होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से कि बोरोन यहाँ पर है, यहाँ पर एक हमारे पास सिलिकॉन है, इसे थोड़ा सा इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि समझ आ सके, ये हमारे पास जो है वो बोरोन है, और यहाँ पर एक सिलिकॉन का एटम है, हमारे पास यहाँ पर एक सिलिकॉन का एटम है, सिमिलरली यहाँ पर सिलिकॉन का एटम है, दरमियान में भी सिलिकॉन था जिसको हमने रिप्लेस किया है बोरॉन से, यानी कि हमने डॉपिंग की है, ये भी हमारे पास सिलिकॉन आ गया, ये हमारे पास सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। अब हमें मालूम है कि बोरॉन के बैरूनी शेल में या ऑटोमो शेल में जो है तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर एक वीकेंड जो है वो एक होल बन जाता है, और हर सिलिकॉन के ऑटोमो शेल में तो फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सिर्फ एक जगह एक सिलिकॉन का एटम ऐसा होगा जिसके साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता होगा। अब यहाँ पर होल प्रोड्यूस हो गया, यानी कि जब आप ग्रुप थ्री के किसी भी मेंबर के साथ जो है डोपिंग करते हैं, उसकी सेमीकंडक्टर्स के अंदर डोपिंग करते हैं, तो होता ये है कि हमारे पास होल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर एल्यूमिनियम भी रखते हैं तो आपको मालूम है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है प्लस थ्री है, यानी कि इसके ऑटोमो शेल में जो है थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ पर हम एल्यूमिनियम भी रख लेते हैं तो हमारे पास एक होल प्रोड्यूस हो जाना था। और जैसे ही हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स की बात की थी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर की थी कि जो होल है और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की मौजूदगी की वजह से ही करंट पास होता है, ये नहीं होता कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है इसलिए करंट पास हो रहा है या सिर्फ होल है इसलिए करंट पास हो रहा है, बल्कि इन दोनों की बदौलत करंट जो है पास होता है। अगर सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल भी प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इस होल के प्रोड्यूस होने की वजह से भी ये सेमीकंडक्टर्स जो है ये एज एन ये जो हमारे पास सिलिकॉन का एटम है या पूरा का पूरा नेट है सिलिकॉन का जो है वो एज एन सेमीकंडक्टर ही एक्ट करता है, क्योंकि इस जो होल है इसको फिल करने के लिए कहीं ना कहीं से तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा इस होल को फिल करने के लिए तो अपनी जगह छोड़ कर आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर भी होल बन जाएंगे। तो बेसिकली जो करंट है वो फ्लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग कह देते हैं कि ये होल की वजह से भी जो है वो हमारे पास जो है होल की वजह से भी यहाँ पर फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आता है तो अपनी जगह कोई छोड़ कर आता है और वहाँ पर भी होल बन जाता है। जब उस जगह को फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आता है तो वो अपनी जगह छोड़ कर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर होल बन जाता है। तो इस तरीके से ये होल का बनना और इलेक्ट्रॉन का आके उसे फिल करना, फिर होल का बनना, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है यही सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट को पास होने देता है, जिसकी वजह से इनके अंदर की करंट के पास होने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक बोरॉन की हमने इम्प्योरिटी दाखिल की, इसी तरह अगर हम हर जगह सिलिकॉन को उठा के बोरॉन ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में होल बनना शुरू हो जाएंगे, जिनको फिल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ग्रुप थ्री के किसी भी मेंबर्स के साथ जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पर चूंकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में होल बन जाते हैं, और होल जो है एज अ पॉजिटिव चार्ज एक्ट करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये सेमीकंडक्टर्स की कुछ टाइप थी और डोपिंग के बारे में थी कि हम लोग किस तरीके से सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं और किस तरीके से उन्हें एन टाइप और पी टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर एन टाइप बना है, तो इसका मतलब है यहाँ पर फास्फोरस की जो है डोपिंग हुई होगी, ये कलर को थोड़ा ब्राइट कर देते हैं यहाँ पर, कि फास्फोरस की डोपिंग हुई होगी, और यहाँ पर चूंकि पी टाइप बने हैं तो हो सकता है एलुमिनियम की डोपिंग हुई हो सकता है बोरोन की हुई हो, या गेलियम की, या इंडियम की, किसी भी ग्रुप थ्री के मेंबर की, यानी कि यहाँ पर हमारे पास थ्री ए ग्रुप की जो है डोपिंग हुई हो, यहाँ पर फोर ए ग्रुप की डोपिंग हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं, और इनको बनाने का एडवांटेज सिर्फ इतना होता है कि सेमीकंडक्टर से करंट के पास होने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसे हम लोग डायोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर इन्हें इस्तेमाल करते हैं, इनकी टाइप्स एन टाइप पी टाइप को इस्तेमाल करते हैं, डोपिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं।